हम सभी जानते हैं आजकल सड़कों पर दुर्घटना की स्थिति कितनी अधिक बढ़ गई है, और दुर्घटना होने पर हमें चोट आना या फिर किसी हड्डी का टूट जाना तो लाजमी है। पर कई बार बिना एक्सीडेंट के भी हमारी हड्डियाँ टूट जाती हैं, जैसे कि गिर जाने की स्थिति में, किसी के धक्का दे देने से। इसके अलावा और भी वजह होते हैं जिस कारण हमारी हड्डियाँ टूट सकती हैं। हड्डियों के टूटने की स्थिति में हमारे लिए चिकित्सक की राय बेहद ज़रूरी है, पर उसी के साथ हम कुछ घरेलू उपाय भी अपनाकर बहुत जल्दी रिकवरी पा सकते हैं। तो चलिए हम आपको बता दें कि क्या है वो उपाय। 2 चम्मच देसी घी, 1 चम्मच गुड़ और 1 चम्मच हल्दी को मिलाकर 1 कप पानी में उबाल लें और फिर इसे ठंडा करने के बाद पी लें। दिन में 2 बार इसे पीने से आपकी टूटी हुई हड्डी जल्दी जुड़ जाएगी। आगे बता दे तो एक पिसी हुई प्याज में 1 चम्मच हल्दी मिलाकर साफ कपड़े में बांध ले। इसके बाद कपड़े को तिल के तेल में गर्म करके टूटी हुई हड्डी पर सिकाई करें। दिन में 2 बार इसी तरह हड्डी की सिकाई करने से आपके दर्द को आराम मिलेगा और हड्डी भी जुड़ जाएगी। इसी के साथ अगर आप उड़द की दाल को धूप में सुखाकर और उसे पीसकर पेस्ट बना ले, इससे टूटी हुई हड्डी पर लगाकर पट्टी बांध ले। इस उपचार को करने से आपकी टूटी हुई हड्डी जल्दी जुड़ जाएगी। आगे आपको बताते चले तो पिसी काली मिर्च और काग गंगा बूटी का रस मिक्स करके दिन में 3 से 4 बार पिए। इसका सेवन आपकी टूटी हड्डी को कुछ दिनों में ही जोड़ देगा। इसके अलावा आपको बताएं तो इसे भेड़ का दूध लेकर इसकी मालिश उस स्थान पर करें जहां हड्डी टूटी है। शीघ्र फायदा होगा, लेकिन ध्यान रखें यह काफ़ी बदबूदार इलाज है, पर यह सबसे कारगर उपाय है। अगर आपकी हड्डियां भी टूटी हैं या किसी तरह का फ्रैक्चर है तो इन उपायों को ज़रूर करें, आपको लाभ होगा। क्यूरेन आयुर्वेदा से आरती की रिपोर्ट।